कभी सरकार की योजना जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार की आवाज जाती थी। बेचारा कोई पहाड़िया, कोई आदिवासी पड़ा हुआ है अपना जंगल में, अपने तरीके से भगवान भरोसे जी रहा, ना राशन, ना पेंशन, ना पीने का पानी ढंग का, ना बिजली, ना सड़क, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं आते ही जादुई छड़ी मेरे हाथ में आई कि सब हम बदल दिए, लेकिन आप एहसास किए होंगे सरकार आपके द्वार के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में लाके हमने खड़ा कर दिया, और आपकी समस्याओं का समाधान किया। सरकार आपके द्वार के माध्यम से लगभग 35 लाख हमको शिकायत का आवेदन मिला था, और उस कार्यक्रम के दौरान ही 20-25 लाख से अधिक आवेदन का निवारण कर दिया गया। जो बाकी बचे थे उसको भी हम लोगों ने बाद में समाधान कर दिया। आज मुझे गर्व है और मुझे आप लोगों से कहीं ज्यादा खुशी हो रही है। जिस जमीन पर आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने पैर रखा था और जिस आंदोलन को उन्होंने अधूरा छोड़ा था, उस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम आज मेरे हाथ से हुआ है। और ये प्रेरणा क्यों मिला, इसके पीछे भी हमारी बहुत बड़ी, मेरे अंदर में चल रहे विचारों में था। जब 5 साल का वनवास हम लोग काट रहे थे विगत डबल इंजन में, उससे पहले भी यही लोग सरकार चला रहा था, लेकिन गिरता पड़ता रहता था। लेकिन 5 साल 20 साल का सबसे दर्दनाक दिन था। 20 साल तो खैर उन लोग किसी तरीके से, कभी आदिवासी को, कभी गैर आदिवासी को बैठा बैठा करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया, इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को बेवकूफ बनाया, हमारे ही लोगों को अपना दलाल बना करके, अपना एजेंट बना करके, हमारे बीच में भेज भेज करके हम लोगों को बेवकूफ बनाया, और इसी से पीछा छुड़ाने के लिए, इन्हीं लोगों को बेदखल करने के लिए, जब मैं 2019 में संघर्ष यात्रा के दौरान इन मऊआ डाड एरिया में घूमा करता था, बहुत हमारे समर्थक कार्यकर्ता लोग होंगे, रात दिन हम इस डबल इंजन की सरकार को बेदखल का एक अलग मुहिम में हम चल रहे थे। इस दौरान हम मऊआ डाड़ के क्षेत्र से भी गुजरे, समय का अभाव था, लोगों ने कहा यहां पर एक भव्य आम सभा होना चाहिए था, लेकिन सफर इतना लंबा था कि हम उसमें बहुत वक्त नहीं दे पाए। और यही गुटवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोग हमसे मिलने आए, उसमें कई बुजुर्ग हमारे बीच में आए थे, और वो बुजुर्ग सिर्फ ये देखने आया था कि ये शिबू सोरेन का बेटा है, उसको देखने आए, और ये लोग हमको टटोलने आया था कि शिबू सोरेन जो उसका बेटा है उसमें वो दम है कि नहीं जो शिबू सोरेन के हाथों में है। हमने उनके भाव को समझा, उनके तकलीफ, उनके दर्द को एहसास किया, महसूस किया, और उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो नेतर हार्ट फायरिंग रेंज की समस्या जड़ से खत्म करने का काम करें। आज परिणाम आपके सामने, थोड़ी बहुत दुख और तकलीफ है उसका भी निदान हम करने जा रहे हैं। इस आंदोलन से जुड़े जितने आंदोलन के केस हैं, उस सारे केस को सरकार वापस लेगी, ये भी हम आपको घोषणा करते हैं।
आज गरीबी इतनी बुरी हालत है, विगत सरकार ने ना जाने क्या कर दिया, यहाँ का अनाज खत्म, यहाँ का पैसा कौड़ी लूट के चौपट पूरा खजाना खाली कर दिया, इस राज को खोखला कर दिया चार के 20 वर्षों में इन नालायकों ने पूरे व्यापारी साथियों के साथ मिलकर सारी चीजें खत्म कर दी थी। अगर सही समय पर हम लोग सत्ता में नहीं आते, 30 वर्ष आपको ये फायरिंग रेंज को मुक्त कराने में लगा, इस राज को अलग कराने में 40-45 साल लग गया। अगर ये लोग और होते यहां पर, फिर पता नहीं हम लोग उन लोग को हटा पाते कि नहीं पाते, क्योंकि गुरुजी जैसा आंदोलनकारी हमारा कोई अगुआ नहीं था। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से उस डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंका, और आज जिस तरीके से काम किया जा रहा है, इधर ये लोग मेरा सरकार गिराने में लगा, कभी पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, लोकपाल, सीबीआई, जब राजनीतिक जन समर्थन ये लोग नहीं जुटा पाते हैं तो अपने इन एजेंसियों को आदेश देकर हमारे पैरों पर बेड़ियां बांधना चाहते हैं। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है, हमें कुर्सी भारतीय जनता पार्टी हमारे विरोधियों ने नहीं दिया, हमें इस राज की कुर्सी यहां बैठे जनता ने दिया है। आज का कार्यक्रम पहले से मेरा घोषित हुआ कि हम नेतरहाट फायरिंग रेंज जाएंगे, बाद में पता चला कि ये जो लोग षड्यंत्र रच रहा था, ये लोग समय समय पर, ये लोग सोचा कि हम लोग ये षड्यंत्र रचेंगे, ये वाला टोका फंसाएंगे तो मुख्यमंत्री का पैर रुक जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम बोले जो करना है कर लो, जो निर्धारित चीजें हैं और वो ग्रामीण से जुड़ा रहेगा, वहां हेमंत सोरेन का पैर कभी नहीं रुक सकता। सरकार के और कुर्सी का भूखा हम लोग नहीं है, बस ये एक संवैधानिक व्यवस्था के वजह से आज हमें वो लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम अपने जनकल्याण के काम करते हैं। आज कभी हम लोगों ने सोचा था कि इस राज में हर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा, आज ये आपका बेटा ने करके दिखाया, इस राज का कोई भी बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं रहेगा। कभी कभी आप लोगों ने सोचा कोई बूढ़ी महिला या कोई विधवा या एकल महिला को कभी पेंशन पूरा मिलेगा? आज आपका इस बेटा ने निर्णय लिया, कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई विधवा महिला, कोई अकेला महिला बिना पेंशन का नहीं रहेगा, सबको पेंशन हम देने का काम। हम भारत सरकार से बोले कि हमारे राज्य में गरीबी बहुत है, हमको पेंशन और स्वीकृत करो, पैसा दो। कभी नहीं, ये व्यापारी की जमात जो देश में कब्जा किया है, ये लोग देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग है, बता देते हैं। इसे संभल के रहिए, देश में पहला ये राज है जो सभी लोगों को पेंशन सर्वजन पेंशन के रूप में दे रहा है। कई ऐसी चीजें, नियुक्तियां रोज हो रही हैं, हमारे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ रहा है, सरकार पर उम्मीदें जग रही हैं। बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बातें अगर हम कहना शुरू करेंगे कि हमने क्या काम किया, तो ये काम भी बताने में हमको रात भर लग जाएगा, और उन बेईमानों का षड्यंत्र गिराएंगे तो साल भर लग जाएगा,
इसलिए आप पीछे देखने का जरूरत नहीं है, आप आगे देखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करेंगे, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित करेंगे। इसके लिए हम संकल्पित होकर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ पुनः मेरी ओर से सभी आंदोलनकारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सब लोगों को, भाई बहन लोगों को यहाँ मेरी ओर से जोहार करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।